हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, मैंने आपकी क्लास के अंदर अध्याय 8 कोशिका जीवन की एक इकाई है उसको शुरू कर रखा है, जहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे कोशिकाओं का, जिनको अंगक भी बोलते हैं ना। किसका अध्ययन कर रहे हैं? अंगक। सबसे पहले तो ये कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंगक पाए कहाँ जाते हैं। तो जितने भी अंगक होते एक कोशिका में, जितने भी अंगक होंगे वो सभी अंगक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। कहाँ है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका खुद एक सूक्ष्म इकाई है, जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो सोच के देखिए, इसमें पाए जाने वाले जो अंगक होंगे वो कितने सूक्ष्म होते हैं। लेकिन कोशिका की जो बाह्य भित्ति होती है वो हमेशा पारदर्शी होती है, इसीलिए कोशिका के अंदर जो भी संरचना पाई जाती है वो संरचना हमें आराम से किसमें दिखाई देती है? सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखाई देती है। तो कोशिकाग्र अंगक में हम एक ER अंतःपरद्रवी जालिका पढ़ चुके हैं, जो दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका और चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। उसके कार्यों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि किस अंगक की बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे गोल्जी काय की। दूसरा अंगक क्या है? गोल्जी काय है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, गोल्जी काय को लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। गोल्जी काय के अलग अलग नाम की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया, या हिंदी में कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। इसी का ही नाम है ये। पौधों के अंदर इसको एक और अलग नाम दिया जाता है, डिक्टोसोम। ठीक है, याद रहे तो याद कर लेना, वरना कोई दिक्कत बात एनसीईआरटी बुक में तो बात दे नहीं रही है। एनसीईआरटी में तो सीधे सीधे गोल्जी काय की बात कर रही है। फिर हम सबसे पहले बात देखें, जैसे ER को किसने खोजा था? पॉटर ने खोजा था। तो वैसे ही गोल्जी काय भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में तो ये संरचना दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर कोई ना कोई वैज्ञानिक इनको देखता है, इनकी संरचना के आधार पर इनको नाम दिया जाता है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है केमिलो गोल्जी। केमिलो गोल्जी अपने यहाँ इंडिया की नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया वाले खोज वोज करनी की थी, ये सभी खोज जो की थी फॉरेनर थे, इसीलिए नाम भी ऐसे ही हैं। केमिलो गोल्जी ये वैज्ञानिक है, केमिलो गोल्जी। अब केमिलो गोल्जी क्या कर रहे थे? एक जंतु कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। जब वो जंतु कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने जंतु कोशिका के अंदर भी उन्होंने तंत्रिका कोशिका को ले रखा था, नर्व कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? आपने 10वीं क्लास के अंदर नाम सुना होगा कि हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती है। जो कोशिकाएं सूचनाओं का आदान प्रदान करती है उन कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो हमारे संवेदी अंगहार, हमारी जो त्वचा है, आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, ये संवेदी अंग, तो यहाँ से सूचना लेकर के हमारे मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क वापस से जो भी आदेश देता है उनको उस अंग तक वापस जो लाती है वो तंत्रिकाएं, क्या हुआ? तंत्रिका कोशिका है। तो वो तंत्रिका कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें तंत्रिका कोशिका के अंदर एक विभिन्न संरचना को देखा कोशिका गर्भ में। और देखने वाले कौन थे? केमिलो गोल्जी थे। इन्होंने उसने इस संरचना को क्या नाम दे दिया? गोल्जी काय नाम दे दिया। ऐसे तो इसका नाम पड़ा। कोई पूछे किसने खोजा? गोल्जी काय ने खोजा, केमिलो गोल्जी ने खोजा। गोल्जी काय को किसने खोजा? केमिलो गोल्जी ने खोजा। एक किसमें? जंतु कोशिका की तंत्रिका कोशिका के अंदर इसको सर्वप्रथम देखा था। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये कहाँ उपस्थित होती है। देखो जैसे मान लो ये तो हो गई कोशिका झिल्ली, बन गई कोशिका झिल्ली।
बीच में क्या है? केंद्रक। और ये हो गई केंद्रक झिल्ली। क्या हो गई? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से क्या है? ये क्या हो गई? ईआर, अंतःप्रद्रवी जालिका। या तो ये केंद्रक और यानी कि ईआर के बीच से होती हुई कहाँ तक जाती है? कोशिका झिल्ली तक जाती है। या फिर हम ये कह देते हैं ये ईआर से जुड़ी हुई है, अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ करके कहाँ तक जाती है? कोशिका झिल्ली की तरफ जाती है, यहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये तो क्या है? अंतर्द्रवी जालिका। अब मान लो यहाँ पर ये अंतर्द्रवी जालिका इस अंतर्द्रवी जालिका के पास से होती हुई इस प्रकार से क्या चलती है? गोल्जी काय चलती है ऐसे, ये लो। और कहाँ तक जा रही है? इसके टुकड़े कहाँ तक फैले रहेंगे? कोशिका झिल्ली तक फैले रहेंगे। तो अब ये जो गोल्जी का है, ये संरचना के आधार पर इसमें एक तो है सिस्टर्नी, जो चपटी नलिकाकार जो संरचना होती है उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और साथ ही साथ में ये दिवी झिल्ली वाली होती है, दो झिल्लियों से मिलके बनी होती है। तो चपटी संरचना वाली क्या कहलाती है? सिस्टर्नी कहलाती है। एक फिर उसके बाद में जो ये सिस्टर्नी है, इसे तो पहली संरचना क्या हो गई? सिस्टर्नी। संरचना के आधार पर पहली क्या हो गई? सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी है उसमें देखो एक तो ऐसी संरचना है, ऐसे है ना, और फिर अंदर की तरफ ही ऐसे घूम गई, यही तो है सिस्टर्नी। तो इसका एक भाग है, एक भाग जो ईआर या केंद्रक की तरफ है, सिस्टर्नी का एक भाग जो ईआर या केंद्रक की तरफ है वो तो कहलाता है उत्तल भाग। क्या कहलाएगा? उत्तल भाग कहलाएगा। जो भाग किधर है? कोशिका झिल्ली की तरफ है। जो भाग भाई ऐसे है तो जो ये तो हो गया केंद्रक की तरफ ये भाग, और ये मुख किधर हो गया? इसका ऊपर की तरफ मुख हो गया। तो जो भाग केंद्रक झिल्ली की तरफ है उसको हम कहेंगे अवतल भाग या अवतल सतह। क्या कहेंगे? अवतल सतह। जो उत्तल भाग है, जो किधर है? उत्तल भाग है केंद्रक की तरफ है, सिस्टर्नी का उत्तल भाग जो केंद्रक की तरफ होता है, इस भाग को सिस या फॉर्मिंग भाग भी कहते हैं। तो सिस या फॉर्मिंग भाग किसे कहते हैं? उत्तल वाले भाग को कहते हैं। फॉर्मिंग को आप निर्माणक भाग भी कह सकते हो, लेकिन फॉर्मिंग ज्यादा सही रहेगा। तो सिस वाले भाग या कौन सा होता है? उत्तर वाला भाग होता है सिस्टर्नी का, जिसका मुख किसकी तरफ होता है? केंद्रक की तरफ, जिसका मुख होता है। जो उत्तर भाग है जिसका मुख किधर है? किधर है जिसका मुख? कोशिका झिल्ली की तरफ जिसका मुख होता है उसे कहते हैं ट्रांस फेस, या फिर आप इसको ना भाग कीजिए सिस फेस भी बोल सकते हो। फेस यानी चेहरा, ट्रांस फेस या फिर परिपक्वन, परिपक्वन फेस भी कहते हैं। तो अवतल वाले भाग के दो नाम हो गए, ट्रांस या परिपक्वन, और उत्तल वाले के सिस या फॉर्मिंग फेस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपन कहेंगे जो उत्तल भाग है, जो उत्तल भाग है वहाँ छोटी छोटी थैली नामक संरचना पाई जाती है। इन छोटी छोटी थैलियों को, इन छोटी छोटी थैलियों को वेसिकल्स कहते हैं, या फिर आप थैली कह दो। छोटी छोटी थैलियों क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। जो किस भाग की तरफ है? उत्तल भाग की तरफ है।
जो सिस्टर्नी के उत्तर भाग की तरफ लगी रहती है, तरफ लगी रहती है। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे जो इसका अवतल भाग है, जो सिस्टर्नी का जो अवतल भाग है वहाँ पर एक उभार नुमा संरचना पाई जाएगी। ये जो उभार नुमा संरचना पाई जाती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऐसे उभार नुमा संरचना बना दूँ, बड़े आकार की उभार नुमा जो संरचना पाई जाती है इसे बोलते हैं वेक्यूल या धानी, वेक्यूल या फिर धानी कहते हैं। तो देखो एक जो गोल्जी काय, मैं एक गोल्जी काय की बात कर रही हूँ, एक जो गोल्जी काय है उस गोल्जी काय के कितने भाग है, तीन भाग है। जो चपटा भाग है क्या कहलाता है, सिस्टर्नी कहलाता है। सिस्टर्नी का वह भाग जो केंद्रक की तरफ है उत्तल भाग है, जो भाग कोशिका झिल्ली की तरफ होता है इसका अवतल भाग कहलाता है। फिर उसके बाद में जो उत्तल भाग है उसको सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, अवतल वाले भाग को ट्रांस फेज या परिपक्वन फेज कहा जाता है। जो इसका उत्तल भाग है वहाँ पे छोटी छोटी थैले नुमा संरचना पाई जा रही है, जिनको क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, वेसिकल्स कहेंगे। और जो सिस्टर्नी के सिरों पर बड़े आकार की जो संरचनाएं पाई जाएंगी इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, वेक्यूल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई गोल्जी काय की। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि गोल्जी काय का क्या काम है। क्या कहा था मैंने कि गोल्जी काय किसके पास लगी रहती है, अंतर्दर्वी जालिका के पास लगी रहती है, ये बात हुई थी ना। तो गोल्जिकाएं काम क्या करती है, तो देखो गोल्जिकाएं क्या करती है, अंतर्दर्वी जालिका पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाने की वजह से अंतर्दर्वी जालिका की जो RER है वो किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो इन प्रोटीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी तो लेके जाना होता है, भी मैंने तो यहाँ पे केवल एक ही कोशिका बना रखी है, बाहर की तरफ ये एक कोशिका और भी तो है। तो ये जो प्रोटीन बने हैं इन प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से कहाँ लेके जाना है, बाहर भी तो लेके जाना है। तो ER जिन पदार्थों का निर्माण करती है, प्रोटीन और लिपिड का जो निर्माण करती है, उस प्रोटीन और लिपिड को, उस प्रोटीन और वसा को स्थानांतरण करने का कार्य किसका होता है, गोल्जी काय का होता है। तो एक बार देखो फिर से अपन, एक मैं नॉर्मल संचय बनाती हूँ इसके, ये काम क्या करती है। आपसे बाय द वे ये पूछ रहे कि गोल्जी काय है वो ER से क्यों जुड़ी रहती है, तब क्या उत्तर दोगे, भी मैंने कहा कि या तो ये केंद्रक की तरफ होती है या ये ER से जुड़ी रहती है। तो गोल्जी काय ER से क्यों जुड़ी रहती है, तो इसका अपन उत्तर भी तो हमारे पास में होना चाहिए ना। तो इसके उत्तर के लिए हम देखिए, एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको बात समझाती हूँ, सुनो। ये पूरी कोशिका है ये मान लो, ठीक है, ये पूरी कोशिका, और ये मैंने क्या बना दी, कोशिका क्या बना दी, कोशिका झिल्ली बना दी पूरी। थोड़ा सा नीचे कर दूं, ये कोशिका झिल्ली बन गई पूरी की पूरी बन गई। अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर बीच में क्या है, केंद्रक है। क्या केंद्रक, अरे होता है क्या, ये हो गई केंद्रक झिल्ली, क्या हो गई, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ये जो केंद्रक झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली से क्या जुड़ी रहती है, ER, है ना। ये लो ये ER जोड़ दी तुमने। अब ये जो ER है इसके ऊपर से मैं छोटे छोटे क्या लगा दूं, राइबोसोम लगा दूं। ये जो राइबोसोम है किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, इसीलिए ये सतह क्या कहलाती है, आरिया खुदरी अंतःपरदर्वी जालिका कहलाती है। अब ये जो RER है इसकी तरफ क्या बनी हुई है, गोल्जी काय, ये लोग
ये हो गई गोलजी काल। सिस्टर ने कितनी भी बना तो बस बहुत है। फिर उसके बाद में देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है वेसिकल्स, छोटी छोटी, ये क्या बना दी मैंने वेसिकल्स। अब देखो इस क्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा, यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन कहाँ, इस प्रोटीन कहाँ आ जाएगा, ये प्रोटीन ये आ जाएगा इस वेसिकल्स में आ गया ये प्रोटीन, ठीक है। ये जो वेसिकल्स है इस प्रोटीन को किस में से लेके जाएगी, सिस्टर्नी से, और यहाँ पर इकट्ठा कर लेगी। यहाँ पे फिर ये वेसिकल्स टूट के अलग हो गए, क्योंकि ये प्रोटीन यहाँ से होता हुआ आ रहा है ना, अब यहाँ से ये हिस्सा टूट करके यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या है वेसिकल्स है छोटे छोटे बहुत सारी बना दो, जैसे मान लो ये टुकड़ा टूट करके, फिर ये जो वेसिकल्स होंगी ये इस प्रोटीन भाग को लेकर के, यानी इस पदार्थ को लेकर के किधर जा रही है, कोशिका झिल्ली की तरफ जा रही है, और कोशिका झिल्ली के पास जाकर के ये फट जाती है और इस पदार्थ को कोशिका से क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती। तो इस प्रकार से एक जो गोल्जी काय होती है वो कोशिका झिल्ली के बाहर ईआर के द्वारा बनाए गए पदार्थों का क्या करती है, स्थानांतरण करती है। क्या करेगी, स्थानांतरण करेगी, कि सबसे पहले ये वेसिकल से होते हैं सिस्टर्नी का, जिसको आप वेक्यूल कह रहे थे ना, वेक्यूल कह रहे थे, वो वाला हिस्सा टूट करके अलग हो गया, और ये कहाँ जा रहा है, ये हिस्सा कोशिका झिल्ली की तरफ जा रहा है, और कोशिका झिल्ली के बाद में पदार्थों को क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया गया है। तो देखो एक तरफ से इसने गोल्जी काय ने क्या किया है, एक प्रकार से जो गोल्जी काय है वो क्या करेगी, ईआर जो पदार्थ बना रही है उन पदार्थों की जिनकी जरूरत है वो तो कोशिका में काम में आ जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत है वहां भेज रही है कोशिका के बाहर, की कोई भी ले लो अब इसे कोशिका के बाहर। अब कोशिका के बाहर जाएंगे तो इसका मतलब रुधिर में, रुधिर इनको ले लेगा, फिर कहीं पहुंचा देगा, या पास वाली कोशिका इनको ले लेगी, इस कहानी चलती रहती है ये वाली। लेकिन इसने इस कोशिका से तो इनको बाहर निकाल ही दिया, इस कोशिका में तो इसने भीड़ होने से रोक ही दिया। बाय द वे मान लो अगर गोल्जी काय ना हो तो, क्योंकि ईआर दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। जो खुरदरी है वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, और जो ये क्या बनाती है, लिपिड या वसा बनाती है ना। तो ऐसे तो फिर इसके भंडारे हो जाएंगे, यहाँ पर पूरा भंडारा लग जाएगा पूरी कोशिका के अंदर, किसी और को तो जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए ये मान के चलो कि गोल्जी काय ईआर के द्वारा बनाए गए पदार्थों की भीड़ को भी हटाती है, इसीलिए गोल्जी काय का एक नाम होता है ट्रैफिक पुलिस। क्या नाम है इसका, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस रोड पर से गाड़ियों की भीड़ को हटाती है, वैसे ही गोल्जी काय किसको हटाती है, ईआर के द्वारा बनाए गए पदार्थों का स्थानांतरण करती है। इसीलिए इसे गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके और कार्य देखते हैं, गोल्जी काय की और क्या क्या कार्य है। तो देखो आपने नाम सुना होगा शुक्राणु, सुना है क्या ये नाम शुक्राणु, है ना, सुना है। मानव का जो शुक्राणु है उसमें एक तो होता है सिर भाग जिसमें केंद्रक होता है, एक होती है पूंछ भाग। जो सिर वाला भाग है इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इस टोपीनुमा संरचना को बोलते हैं एक्रोसोम। क्या नाम है, एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करती है, गोल्जी काय करती है। कंपटीशन के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। और कार्य सुनो इसका। फिर उसके बाद में हमने कल ही बात की थी कि कोशिका भित्ति पड़ी थी, हमने ये कहा था कि कोशिका भित्ति में जब कोशिका का विभाजन हो रहा है तो कोशिका भित्ति में बनते समय सबसे पहले बीच में मध्य पटलिका बनेगी, ये बात की थी क्या,
है ना, सबसे पहले विभाजन में सबसे पहले क्या बनती है, मध्य पटलिका बनती है। तो वो मध्य पटलिका बनती किससे है, तो वो किससे बनती है, गोल्जी काय, गोल्जी काय की किससे, वेसिकल्स से, जो छोटी छोटी संरचना थी ना वेसिकल्स। तो मध्य कोशिका विभाजन के समय मध्य पटलिका का भी निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय करती है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय करती है। मध्य पटलिका का निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय करती है। फिर हम पढ़ेंगे आगे, एक हम पढ़ेंगे लाइसोसोम अंगक, जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्गामी थैली कहा जाता है। तो प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण ये भी कौन करती है, गोल्जी काय करती है। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगी, गोल्जी काय करेगी। आरईआर एसईआर के जो पदार्थ होते हैं उनको पैक करने का काम भी कौन करती है, गोल्जी काय करती है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। फिर आप ये मान के चलो कि ये एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम कौन करती है, गोल्जी काय करती है। तो ये हमारा टॉपिक किसका था, गोल्जी काय और उससे संबंधित कार्यों का था। इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, ईआर के बारे में पढ़ा था, और आज क्या पढ़ा है, गोल्जी काय के बारे में पढ़ा है। गोल्जी काय के ये दो प्रश्न, एक तो ये वाला प्रश्न अच्छा है, इस ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि गोल्जी काय ईआर से क्यों जुड़ी रहती है, तो बता दी आपको, इसके जो पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय करती है। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय करती है, और मध्य पटलिका का निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय करती है। तो ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, हमने एक अंगक और अध्ययन कर लिया है जिसका नाम क्या है, गोल्जी काय। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अच्छे से वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स करें कि आपने क्लास अटेंड की है। ओके बच्चों।